आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते यीशु के लिए, इस मसीह के बलिदान के लिए, लहू के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के दिन और समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, आपकी सारी आशीष के लिए धन्यवाद देते, इस मसीह के नाम से ऐसे सहायता मांगते, आज के वचन के लिए, इस मसीह के नाम जो देखते सुनते सबको आशीषित कीजिए, इस मसीह के नाम में आमीन। आइए हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है रूथ। रूथ के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ रूथ और उसकी सास और उसका एक पति के विषय में हम पढ़ते हैं जो प्रभु ने उसे दिया बोआज करके, और ये बातों को हम देखते हैं। नौमी एक इसराइली थी और वो अपने पति के साथ मोआब देश में चली गई। मोआब देश एक श्रापित देश था और परमेश्वर जिससे घृणा करता था, परमेश्वर जिससे प्रसन्न बिल्कुल नहीं करता था, वो ऐसा देश था। तो वहाँ जाने के कारण उसका पति और दोनों बेटे मर जाते हैं, लेकिन उनकी बहुएँ रह जाती हैं। एक बहू तो और इसी से रूथ थी और एक बहू के भी थी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नौमी कहती है कि तुम लोग चली जाओ और फिर से शादी करो, लेकिन रूथ अपनी सास को नहीं छोड़ती है, उसके साथ रहती है। और फिर वो लोग यरूशलेम को लौटते हैं, परमेश्वर के घर को आते हैं। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि बोआज नामक व्यक्ति को, और बोआज नामक जो कुटुंबी था, रूथ का एक कुटुंबी था, जो छुड़ाने वाला कुटुंबी था, हम देखते हैं कि वहाँ पर रूथ जाती है, उसके खेत में रूथ जाती है, और फिर इसी रीति से बोआज के साथ उसका मुलाकात होती है। और नौमी इसे जानती है कि कैसे वो हमारा छुटकारा देने वाला एक कुटुंबी है, और इसी रीति से उसके पास जा करके रूथ को बताती है कि वो हमारा छुटकारा देने वाला व्यक्ति है, अब तुम जाकर इससे बातें करो और इसी रीति से और कैसे करना है, सो प्रभु इसे सहायता करें बोल करके वो जाती है, उसके खेत में ही वो जाती है। और इसी रीति से वो बताती है बोआज को कि आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं, आप ही हमारे परिवार को छुड़ा सकते हैं। सो लेकिन बोआज कहता है कि मेरे से पहले एक को अधिकार है, यदि वो छोड़ देगा तब जाके मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो बोआज इसके लिए बैठाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, और फिर वो व्यक्ति को कहता है कि यदि आप छुड़ाएंगे तो रूथ से आपको शादी करनी पड़ेगी, और वो मुआविन है बोल के वो बताता है। लेकिन वो व्यक्ति राजी नहीं होता कि मैं मुआविन लड़की से शादी करूँगा या ऐसी औरत से शादी करूँगा। इसी रीति से बोआज ही रूथ से शादी करता है और उसको छुड़ाता है, उसके परिवार को छुड़ाता है, उसकी ज़मीन को छुड़ाता है, और इसी रीति से परदादी के रूप में दाऊद की रूथ पाई जाती है। वह अन्य जाति से आई थी, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वास योग्यता, उसके सास के प्रति उसकी विश्वास योग्यता, उसकी सेवा उसे आशीषित बनाती है। अन्य जाति होने पर भी वो इसराइली घराने की हो जाती है, राजकीय घराने की बन जाती है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको स्तुति आराधना करते हैं रूथ की किताब के लिए, कैसे प्रभु रूथ को प्रभु आपने अन्य जाति में से चुनकर प्रभु परमेश्वर कैसे राजकीय वंश में लाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इसकी विश्वास योग्यता, परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति प्रेम है प्रभु परमेश्वर, विश्वास धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, कैसे वो अपने सास के प्रति रही और कैसे प्रभु वो बोआज के साथ शादी हुई और प्रभु परमेश्वर छुड़ाई गई और उसके प्रभु परमेश्वर परिवार छुड़ाया गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कैसे प्रभु नौमी और रूथ छुड़ाए गए, प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और इसी से प्रभु परमेश्वर दाऊद के वंशज में वो पाई गई, प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारे आशीषों के लिए। प्रभु अन्य जाति से भी प्रभु परमेश्वर तू प्रभु परमेश्वर प्रेम करता है जो प्रभु तेरे निकट आता है, और प्रभु परमेश्वर तू उसे आशीष देता है। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं, यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।